हाँ जी कर लिया रिवाइज। चलिए एक बारी मुझे यूनिट 3 पूरा का पूरा वेरी ब्रीफली रिकॉल करवाओ, सिर्फ और सिर्फ यूनिट 3 जो कि फिजिकल फंक्शंस को लेकर था। फिजिकल फंक्शंस से भी पहले हमने क्या डिस्कस किया हुआ यूनिट 3 में, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो सबसे पहले यू विल डिफाइन व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच एग्जिस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेशन, एज इन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट असाइड। फिर देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, क्या क्या? सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड। फिर ट्रेडिशनली गवर्नमेंट फोकस इटसेल्फ ऑन दी क्रिटिकल एरियाज ओनली, बट आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन इट स्टेप्ड इनटू अदर फंक्शंस, एंड दोज फंक्शन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट रिचर्ड मसग्रेव, क्या नाम है? रिचर्ड मसग्रेव ने हमको 3 फंक्शंस बताए। वो 3 फंक्शंस कौन कौन से हो गए थे? एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबिलाईजेशन। अब इसमें से एलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक है और स्टेबिलाईजेशन मैक्रो इकोनॉमिक है। बच्चे 1 सेकंड के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप होगी। देन उसके बाद एलोकेशन फंक्शन या जितने भी हमारे फंक्शंस हैं एक बारी ना उनके बारे में जो कॉमन बात होती है कि देखिए जी, चाहे एलोकेशन फंक्शन है, चाहे रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, चाहे स्टेबिलाईजेशन फंक्शन है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है व्हाट इज दिस फंक्शन। तो एलोकेशन फंक्शन में आप क्या डिफाइन करेंगे? दैट अल्टीमेटली व्हाट इज रिसोर्स एलोकेशन, इट इज सिंपली आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें बता सकते हैं दैट मार्केट एज वेल एज गवर्नमेंट कैन डिसाइड अबाउट रिसोर्स एलोकेशन। फिर दूसरा सवाल बनता है कि व्हाई गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन मार्केट कैन एलोकेट रिसोर्सेज व्हाई डज गवर्नमेंट स्टेप इन टू द फंक्शन। यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे? दैट मार्केट मिस एलोकेट द रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं मार्केट फेलियर। अच्छा, जब आपने आगे एक्सप्लेन करना मार्केट फेलियर के बारे में, तो आप ऑब्वियसली अभी आपने यूनिट पढ़ा नहीं है, बट उस यूनिट में देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर। आप उनके नाम देंगे मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फिर तीसरा आता है दैट हाउ डज गवर्नमेंट परफॉर्म इट्स रोल, इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे दैट गवर्नमेंट कम्स इन टू टेक करेक्टिव एक्शन, इट कैन एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द मार्केट रादर देन सब्स्टिट्यूटिंग इट। फिर आप इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल देंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल में क्या जाएगा? डायरेक्ट प्रोविजन। फिर इन्फ्लुएंसिंग प्राइवेट एलोकेशन में अब इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव हो गया, कॉम्पिटिशन पॉलिसीज हो गया, रेगुलेटरी पॉलिसीज हो गया, लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द टेक्निक। ठीक है जी। फिर फोर्थ प्रॉब्लम आती है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस बाय गवर्नमेंट इन एक्सरसाइजिंग दिस फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन में क्या बोलेंगे? दैट गवर्नमेंट फेलियर। सो यू विल डिफाइन गवर्नमेंट फेलियर दैट व्हेन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू करेक्ट मार्केट मिस एलोकेशन, अल्टीमेटली इट लीड्स टू मिस एलोकेशन इटसेल्फ। गवर्नमेंट जब मार्केट वेस्टेज करेक्ट करने चलती है, खुद ही वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर देती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फेलियर। एंड गवर्नमेंट फेलियर कुड बी सिवियर और नॉन सिवियर। अब सिवियर की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? दैट इन एडिशन टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फ्रेश प्रॉब्लम्स हैव अरिजन, वेयर एज नॉन सिवियर में बोलेंगे दैट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड टू द कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन, नो न्यू प्रॉब्लम हैज अराइज्ड। डन हो गया जी एलोकेशन फंक्शन। इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? जी अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन इज टू एंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी टू ऑल। यहाँ पर आप वर्ड्स ला सकते हैं इक्विटी, यहाँ पर आप वर्ड ला सकते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी, की सोसाइटी को इगैलिटेरियन बनाना है, मतलब सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। अब व्हाई डज गवर्नमेंट स्टेप इनटू द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? बिकॉज मार्केट लेफ्ट टू इटसेल्फ विल नॉट बी एबल टू एंश्योर सोशल जस्टिस। फिर हाउ डज गवर्नमेंट परफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? जी प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन, डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड वेलफेयर स्कीम्स। फिर आप वेलफेयर स्कीम्स में अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन, स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन, कुछ भी आपके मन में जो आता है। ठीक है जी।
और उसके बाद प्रॉब्लम फेस्ड बाय गवर्नमेंट इन एक्सरसाइजिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। एफिशिएंसी एंड इक्विटी को जब आपने एक्सप्लेन करना है तो एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। एग्जांपल एक तो हो जाएगा कि जब हम इक्विटी के नाम पर रिच के ऊपर हायर टैक्सेस लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं रिच को एक इन्वेस्टमेंट करने को वो डिस्करेज भी कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन तो अनाउंस कर दी बट अल्टीमेटली लोग जो है जॉब सीकिंग में इतने एक्टिव नहीं रहेंगे, इट विल बी कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर प्रोडक्टिविटी। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्टेबलाइजेशन फंक्शन। नाउ व्हाट इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन? इट इज अ फंक्शन व्हिच कैन एंश्योर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स में तीन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कट है, एंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर एंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज प्राइस स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद आप बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट स्टेबल रहे उसका भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डाल सकते हैं। नाउ व्हाई डज गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इनटू स्टेबलाइजेशन फंक्शन? बिकॉज मार्केट तो कर नहीं पाएगी। गवर्नमेंट अगर नहीं आती है तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या? या तो रिसेशन या इन्फ्लेशन पहला पॉइंट, फिर स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के बारे में लाइन क्या है? व्हेन रिसेशन एंड इन्फ्लेशन एग्जिस्ट साइड बाय साइड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एग्जिस्ट साइड बाय साइड। And sometimes an economy can feel the contagion effect of other countries, whereby economic instability in other country may have an impact on Indian economy. ठीक है जी। तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना ही पड़ेगा इन सभी को चेक में रखने के लिए, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस पर हम ना अराइव कर जाएं। नाउ हाउ डज गवर्नमेंट परफॉर्म इट्स स्टेबलाइजेशन फंक्शन? तीन पॉइंट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में लाइन लिखनी है, इट इज अ पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ विच द आरबीआई कैन कंट्रोल द साइज ऑफ मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर फिस्कल पॉलिसी, इट इज द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी वेयर बाय इट कैन अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड एंड हेंस इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। ठीक। अब प्रॉब्लम फेस्ड बाय गवर्नमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्टेबलाइजेशन फंक्शन, यहाँ पर आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गोल्स। अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गोल्स में आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल शायद बुक में नहीं लिखा होगा, बट आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? दैट व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू ट्राई टारगेट, व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू टारगेट इन्फ्लेशन तो रिस्क आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का, और जब जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट टारगेट करने चलते हैं वहां पर रिस्क आ जाता है इन्फ्लेशन का। ठीक हो गया जी। दैट्स इट। ये था हमारे पास यूनिट 3, याद हो गया जी? बहुत बढ़िया।